and welcome to 30 mein 30, the daily dose of V-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezar kis baat ka? Let's take a look. 30 mein 30. रणवीर सिंह से जल्द ही शादी करने के रूमर्स के बीच दीपिका पादुकोण पहुंची रणवीर सिंह की मेटर्नल ग्रैंडमदर से मिलने। खबरों की माने तो रणवीर की ग्रैनी बीमार हैं। वेल, जब दीपिका रणवीर की ग्रैनी से मिलने उनके बांद्रा रेसिडेंस पहुंची, तो रणवीर भी उनके साथ थे। यहां दोनों काफी वक्त साथ बिताने के बाद रणवीर के घर पहुँचे टू स्पेंड सम टाइम अलोन। 30 में 30 खबर है कि अक्षय कुमार और सलमान खान ने एक दूसरे से बात करके फाइनली कर लिया है पैच अप, और इस पैच अप की वजह बने हैं करण जौहर। करण ने सलमान खान और अक्षय की मीटिंग करवाई जहां देर तक इनकी बातें चली। कहा जा रहा था कि अक्षय और सलमान के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग सलमान की एक्स मैनेजर रेशमा शेट्टी की वजह से आई थी। 30 में 30 खबर है कि रणवीर सिंह और अक्षय कुमार के बीच पैडमैन और पद्मावत के क्लैश को लेकर हुई मुलाकात, लेकिन ये मुलाकात क्लैश को टालने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के फिल्म को गुड लक विश करने के लिए थी। माना जा रहा है कि अक्षय और रणवीर क्लैश को लेकर खुश नहीं हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों फिल्म अच्छा बिजनेस करे। 30 में 30 तैमूर अली खान के साथ किसी ब्रांड को एंडोर्स करने में नहीं है सैफ अली खान को प्रॉब्लम। रिसेंटली न्यूज आई थी एक एंडोर्समेंट डील के लिए सैफ अली खान और करीना को बेबी तैमूर के साथ अप्रोच किया गया था, लेकिन करीना इस डील के लिए तो तैयार हैं पर माइनस तैमूर। लेकिन जब इस बारे में सैफ अली खान से पूछा गया तो उन्होंने किया इस न्यूज को क्लैरिफाई। प्रमोशनल डील? नो नो, इफ आई गेट एंडोर्स्ड, इफ आई गेट ऑफर्ड वन, आई टेक इट। यस, आई ओपन। What is Kala Kandi? You'd have to pay me though. Lots. It depends on which toy. 30 mein 30 सैफ अली खान की फिल्म काला कांडी की रखी गई स्क्रीनिंग, जहां सैफ को सपोर्ट करने पहुंची उनकी वाइफ करीना। इस स्क्रीनिंग पर करीना के अलावा सैफ की सिस्टर सोहा अली खान और उनके हबी कुणाल खेमू भी मौजूद थे। सैफ की फिल्म को यहां काफी पसंद किया गया। 30 में 30 लेटर ऑन द शो, क्या कंगना है करण के शो पर आने को तैयार? सैफ की फिल्म काला कांडी की स्क्रीनिंग पर पहुंचे कई स्टार्स, लेकिन अपने डैड की फिल्म की स्क्रीनिंग पर नहीं आए सैफ के बच्चे सारा और इब्राहिम। खबर है कि सारा और इब्राहिम दोनों को ही फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट किया गया था और दोनों ने कंफर्म किया था कि वो स्क्रीनिंग अटेंड करेंगे, पर उन्होंने लास्ट मोमेंट पर कर दिया अपना प्लान चेंज और स्क्रीनिंग की जगह दोस्तों के साथ पार्टी को दिया प्रेफरेंस। 30 में 30 एक इवेंट पर आकर मीडिया को काफी देर इंतजार करवाकर भी करण जौहर ने नहीं की बात। मौका था एक मैगजीन कवर लॉन्च का और इस इवेंट के मेन गेस्ट थे करण जौहर और मीडिया को यहां करण का नाम लेकर ही इनवाइट किया गया था। ऐसे में पूरी मीडिया यहां करण से इंटरेक्शन के लिए पहुंच गई, लेकिन करण यहां आए तो सही लेकिन मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। 30 में 30 सलमान खान और अक्षय कुमार फिल्म केसरी में साथ काम तो नहीं कर पाए, लेकिन जल्द ही ये दोनों एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर साथ नजर आ सकते हैं। सोर्सेस की माने तो अक्षय सलमान खान के शो बिग बॉस के फिनाले एपिसोड में अपनी नेक्स्ट रिलीज पैडमैन को प्रमोट करते नजर आएंगे। 30 में 30
रानी की कमबैक फिल्म हिचकी को देखकर आदित्य हुए थे काफी डिसअपॉइंटेड। सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन मिली है कि आदित्य चोपड़ा ने अपनी वाइफ रानी मुखर्जी की फिल्म हिचकी का फाइनल कट जब ट्रेलर रिलीज से पहले देखा था तो वो काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर से इस बारे में बात करके अपने सभी कंसर्न्स रखे थे। यही नहीं, आदित्य चोपड़ा ने अपने मन मुताबिक फिल्म में काफी चेंजेस भी करवाए और उसके बाद ही फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च किया गया। 30 में 30। फराह खान की पार्टी में अर्जुन कपूर और मलाइका अरोरा दोनों ही नजर आए। ये काफी समय बाद पहला मौका था जहां इन दोनों एक्टर्स ने एक ही पार्टी अटेंड की। हम आपको बता दें कि अपने अलेजेड रिलेशनशिप की न्यूज के बाद इन दोनों स्टार्स ने एक दूसरे से दूरी बना ली थी। 30 में 30। अरबाज खान को हमने स्पॉट किया अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डिनर करते हुए। हाल ही में अरबाज इस बात से नाराज हो गए थे जब उनके एक फ्रेंड को मीडिया ने मिस्ट्री गर्ल बता दिया था। 30 में 30। खबरों की माने तो रिसेंटली कैटरीना कैफ ने अपनी सिस्टर इजाबेल कैफ के फर्स्ट ऑफिशियल मीडिया इंटरैक्शंस के लिए खास इंतजाम करवाए थे, लेकिन इस इवेंट पर ब्रांड की तरफ से कोई खास इंतजाम नहीं किया गया, जिसकी वजह से कैटरीना अब काफी ज्यादा नाराज हैं। हम आपको बता दें, कैटरीना ने सलमान की मदद से हाल ही में इजाबेल को एक बड़ा ब्रांड दिलवा दिया है। 30 में 30। Few days before the release of Padmavat, Ranveer Singh hain dedicatedly involved preparing for his rapper role in Gully Boy. Ranveer ko ek baar phir spot kiya gaya hanging out with his rapper friends, jinse unka role hone wala hai inspired. 30 mein 30. सैफ अली खान की फिल्म बाजार की रिलीज डेट हो चुकी है अनाउंस। सैफ की ये फिल्म होने जा रही है 27 अप्रैल को रिलीज और ऐसे में इस फिल्म का कंगना की रानी लक्ष्मीबाई बायोपिक मनी कर्णिका से क्लैश होना है इनएविटेबल। 30 में 30। धड़क को स्टार्स ईशान जानवी इन नो टाइम आ चुके हैं एक दूसरे के बहुत करीब। सोर्सेस की माने तो ईशान हैज ग्रोन रियली फॉन्ड ऑफ जानवी और टाइम टू टाइम गिफ्ट्स और गुडीज लाकर ईशान करते रहते हैं जानवी को सरप्राइज। 30 में 30। अभिषेक बच्चन फराह खान के साथ हमेशा से शेयर करते आए हैं एक वार्म केमिस्ट्री एंड ऑन फराह बर्थडे अभिषेक ने फराह के साथ सोशल मीडिया पर अपनी ये फोटो शेयर करते हुए लिखा एक लॉन्ग हार्टफेल्ट मैसेज जहां अभिषेक ने शेयर किया एक पुराना एनेक्डोट। 30 में 30। कुछ दिनों पहले सुनने में आया था कि लास्ट सीजन की पुअर रेटिंग्स के चलते प्रियंका चोपड़ा की टीवी सीरीज क्वांटिको का थर्ड सीजन हो चुका है डिले। फॉलोइंग द स्पेकुलेशंस, मेकर्स ने शो के थर्ड सीजन का प्रीमियर डेट अप्रैल 26 को कर दिया है कंफर्म। 30 में 30। पद्मावत को यूए सर्टिफिकेट के साथ फाइनली मिल चुका है सीबीएफसी से ग्रीन सिग्नल, बट अ फ्यू रिपोर्ट्स सजेस्टेड कि सीबीएफसी ने मेकर्स को ऑर्डर किए थे कुछ चेंजेस व्हिच रिजल्टेड इन अबाउट 300 कट्स इन द फिल्म, लेकिन सीबीएफसी से जुड़े सोर्सेज ने इन रूमर्स को कर दिया है पूरी तरह डिनाई। 30 में 30। श्रद्धा कपूर ने रूमर्ड बॉयफ्रेंड फरहान अख्तर को सोशल मीडिया पर किया बर्थडे विश। इस पोस्ट के साथ फरहान के लिए एक वर्चुअल हग भेजते हुए श्रद्धा ने फरहान को इस खास दिन पर भेजे अपने विशेस। 30 में 30।
करण जौहर ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर कंगना उनके टैलेंट हंट शो पर आती हैं, तो वो उन्हें करेंगे ग्रेसफुली वेलकम। और इस पर बात करते हुए कंगना ने रिसेंटली कहा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग ऑन द शो। इट इज अ प्रोफेशनल कमिटमेंट फॉर विच आई एम बीइंग पेड। What is delightful is that Karan is okay with doing the show with me and seems to be slowly warming up to me. 30 mein 30. ऋतिक सुजैन डिवोर्स के बाद भी एक दूसरे के साथ शेयर करते आए हैं एक वार्म इक्वेशन। सुजैन ने ऋतिक के बर्थडे पर आज शेयर किया ये स्पेशल पोस्ट, कॉलिंग ऋतिक द सनशाइन ऑफ हर लाइफ। 30 में 30। वरुण धवन जल्द ही तेलुगु ड्रामा अर्जुन रेड्डी के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे। इस फिल्म में वरुण एक अल्कोहलिक ड्रग एडिक्ट सर्जन का कैरेक्टर प्ले करेंगे हु फॉल्स इन लव विद अ मेडिकल स्टूडेंट। और खबर है कि वरुण से पहले ये फिल्म रणवीर सिंह और शाहिद कपूर को ऑफर की गई थी, लेकिन दोनों ही एक्टर्स ने इसे करने से मना कर दिया। वरुण इस फिल्म पर 2018 में काम करना शुरू करेंगे। 30 में 30। फिल्म रेस 3 की टीम ने रिसेंटली शुरू की अपने पहले सॉन्ग की शूटिंग। ये सॉन्ग सीक्वेंस फिल्म सिटी में शूट किया जा रहा है, जिसकी पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर करके खुद प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने इस न्यूज को अनाउंस किया। इन पिक्चर्स को देखकर लग रहा है गाने का सेटअप एक बार या पार्टी जैसा है। 30 में 30। अनुष्का शर्मा की सुपरनेचुरल थ्रिलर परी का टीजर हो गया है आउट। फिल्म में अनुष्का पोर्ट्रे कर रही हैं एक विच का कैरेक्टर एंड अनुष्का लुक गिव्स यू द गूज बम्प्स। वैसे इस टीजर की एक झलक सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ ही अनुष्का ने परी की नई रिलीज डेट भी अनाउंस की है। जहां पहले ये फिल्म 9 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, वही अब ये फिल्म 2 मार्च को होली पर होगी रिलीज। 30 में 30। सोनम कपूर ने रिसेंटली ये कहकर अपनी और एंटरप्रेन्योर आनंद आहूजा की शादी के रूमर्स को डिनाई किया था कि वो अपने काम में इतनी बिजी हैं कि उनके पास किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन इस सब के बीच सोनम को पिछले दिनों स्पॉट किया गया कोलकाता के एक ज्वेलरी स्टोर में। और खबरों की माने तो इस दौरान सोनम के साथ फैशन डिजाइनर अनामिका खन्ना भी थी। रिपोर्टेडली ये ज्वेलरी स्टोर है द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ब्राइड्स हु वांट टू बाय आउटफिट्स एंड मैचिंग ज्वेलरी। 30 में 30। एक्ट्रेस यामी गौतम ने जहां ऑन स्क्रीन डेम्योर कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, वहीं एक मैगजीन शूट के लिए यामी हैज गॉन बोल्ड। वेल, इस मैगजीन के कवर पेज शूट के लिए यामी ने डिसाइड किया टू ड्रॉप हर पैंट्स। और इस फोटो शूट के कुछ पिक्चर्स यामी ने शेयर किए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी। 30 में 30। पान सिंह तोमर फेम के टिग्मांशु धूलिया शूट कर रहे हैं द लास्ट लेग ऑफ साहेब बीवी और गैंगस्टर 3। और रिसेंटली फिल्म के सेट से आई है संजय दत्त और चित्रांगदा सिंह की ये पिक्चर। वेल, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही संजय दत्त और चित्रांगदा सिंह की ये पिक्चर अनडाउटेडली इस सीक्वल के लिए ऑडियंस को कर रही है क्यूरियस। 30 में 30। रिसेंटली अनुराग कश्यप की फिल्म मुक्काबाज को फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया और CBFC ने इस फिल्म को UA सर्टिफिकेट के साथ पास किया। इसके बाद अनुराग ने ये न्यूज ट्विटर पर शेयर की और अपने ट्वीट में अनुराग सेंसर बोर्ड चीफ प्रसून जोशी और INB मिनिस्टर स्मृति ईरानी को थैंक यू कहना भी नहीं भूले। विनीत कुमार सिंह और जोया हुसैन स्टार ये फिल्म 12 जनवरी को होने वाली है रिलीज। 30 में 30। सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह ने हाल ही में शूट किया अपनी फिल्म अय्यारी के लिए एक प्रमोशनल ट्रैक। ये गाना पनवेल के एक कॉलेज में शूट किया गया, जिसमें रकुल और सिद्धार्थ के साथ कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी नजर आएंगे। 30 में 30। टू
टोटल धमाल का पहला शेड्यूल हुआ शुरू और फिल्म के सेट पर पहले ही दिन हुआ आइकॉनिक रीयूनियन। फिल्म की स्टार कास्ट माधुरी, अनिल और अजय के अलावा सेट पर पहुंचे थे आमिर खान, हु टर्न्ड द क्लैपर फॉर द महूर्त शॉट। सेट से आई इन फोटोज में ये सारे सुपरस्टार्स एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं।